गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में डी लम्बर्ट्स के क्वेश्चंस करवा रही हूँ। बच्चों के डाउट्स थे। सबसे पहले देखो डी लम्बर्ट्स टेस्ट होता क्या है। डी लम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट, क्वेश्चन में एग्जाम में आएगा तो क्वेश्चन आएगा इस तरह कि स्टेट एंड प्रूव डी लम्बर्ट रेशियो टेस्ट। स्टेटमेंट क्या है, कहते कि इफ सीरीज ए एन एन फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी इज अ सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स सच दैट लिमिट ए एन अपॉन ए एन प्लस वन एन टेंस टू इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू एल, देन फोर एल ग्रेटर देन वन सीरीज इज कन्वर्जेंट, सेकेंड फोर एल लेस देन वन सीरीज इज डाइवर्जेंट। ठीक है, ये केस है हमारे लिए कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंस के लिए। ठीक है, थर्ड है फोर एल इक्वल्स टू इन्फिनिटी सेम सीरीज इज कन्वर्जेंट। ठीक है, इन्फिनिटी देखते ही आपने डाइवर्जेंस की तरफ नहीं जाना, जब एल की वैल्यू इन्फिनिटी आ जाती है तो सीरीज मेरी क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी। फोर्थ केस है फोर एल इक्वल्स टू वन, एल इक्वल्स टू वन, इस केस में हम कोई कंक्लूजन नहीं फाउंड आउट कर सकते। नॉन कंक्लूजन मीन्स टेस्ट फेल, ठीक है, या फिर टेस्ट फेल्स। ठीक है, यही कहते कि कोई सीरीज है, पॉजिटिव टर्म सीरीज है। ठीक है, साथ में क्या है हमारे पास, लिमिट ए एन अपॉन ए एन प्लस वन इज इक्वल्स टू एल, देन If L greater than 1, series is convergent and L less than 1, series is divergent and L is equals to infinity, series is convergent and L equals to 1, तो हमारा टेस्ट क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। ठीक है, इस केस में हम क्या लगाएंगे, राबिस टेस्ट यूज करेंगे। ठीक है, और या फिर हम लॉगरिथमिक टेस्ट यूज करेंगे। ठीक है, लॉगरिथमिक टेस्ट कब यूज़ करेंगे, जब मेरे पास ए एन अपॉन ए एन प्लस वन की लिमिट जो आएगी, जो एल आएगा, उस एल में ई वाली टर्म्स आ जाएंगे। ठीक है, जो एल की वैल्यू आएगी, अगर वो एल की वैल्यू ई वाली टर्म्स कंटेन करती होगी तो हम लॉगरिथमिक टेस्ट यूज़ करेंगे, अदरवाइज टेस्ट फेल होता है तो हम राबिस टेस्ट यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये हमारी स्टेटमेंट है डी लम्बर्ट रेशियो टेस्ट की। ठीक है, अभी इसको देखो आपने यूज कैसे करना है। एग्जाम्पल फर्स्ट कर रहे हैं, एग्जाम्पल फर्स्ट कहते हैं कि टेस्ट फोर कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज सीरीज क्या है हमारे पास, वन फैक्टोरियल बाय फाइव, टू फैक्टोरियल बाय फाइव स्क्वेयर, थ्री फैक्टोरियल बाय फाइव क्यूब एंड सो ऑन। ठीक है, इसकी आपको क्या देखनी है, कन्वर्जेंस देखनी है। ठीक है, कन्वर्जेंस। ठीक है, तो डी लम्बर्ट में हमने देखा सीरीज देखनी है, सीरीज कैसी है, पॉजिटिव टर्म होनी चाहिए, पॉजिटिव टर्म सीरीज है। ठीक है, फिर आपको लिमिट ए एन अपॉन ए एन प्लस वन की चेक करनी है। ठीक है, उसको क्या नाम दिया हमने टेस्ट में, L। ठीक है, अब इस L पे डिपेंड करती है हमारी कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस।
तो हमें nth फॉर्म चाहिए सबसे पहले, ठीक है। तो सीरीज की nth फॉर्म बनाओ। सीरीज कैसी है, 1 फैक्टोरियल बाय 5, 2 फैक्टोरियल बाय 5 स्क्वायर, 3 फैक्टोरियल बाय 5 क्यूब। nth टर्म क्या रहेगी, n फैक्टोरियल बाय में 5 की पावर n, ठीक है। यही सीरीज है हमारी एंड सो ऑन, ठीक है। तो अब nth टर्म क्या है, nth टर्म मेरे पास n फैक्टोरियल बाय 5 की पावर n। हमें क्या चाहिए, an अपॉन an प्लस 1, तो an प्लस 1 चाहिए। n को रिप्लेस कर दो n प्लस 1 से। रिप्लेस करेंगे तो क्या आएगा, n प्लस 1 फैक्टोरियल बाय में 5 की पावर n प्लस 1, ठीक है। तो पुट करो वैल्यूज an अपॉन an प्लस 1 में, ठीक है। an की वैल्यू रखो, an प्लस 1 की वैल्यूज। an की वैल्यू क्या है, n टेंस टू इन्फिनिटी, n फैक्टोरियल बाय में 5 की पावर n अपॉन में an प्लस 1, मीन्स n प्लस 1 फैक्टोरियल बाय में 5 की पावर n प्लस 1। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, 5 की पावर n प्लस 1 बाय में n प्लस 1 फैक्टोरियल, यही आएगी वैल्यूज, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n फैक्टोरियल बाय में 5 की पावर n, इनको मैं ब्रेक कर सकती हूँ पावर्स को। यहाँ पे n फैक्टोरियल ओपन करते हो तो n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, उसका यूज़ किया ये वैल्यू आई, ठीक है। तो इसको रब कर रही हूँ सीरीज को, ठीक है। तो लिमिट आ जाएगी n टेंस टू इन्फिनिटी, n फैक्टोरियल से हमारा n फैक्टोरियल कैंसिल आउट, 5n से मेरा 5 के पावर n कैंसिल आउट, तो बचा क्या, 5 बाय n प्लस 1, ठीक है। n टेंस टू इन्फिनिटी अप्लाई करोगे तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, 0, ठीक है। l की वैल्यू क्या आई, 0, ठीक है। अब डी लंबर्ट रेशो टेस्ट क्या कहता था, अगर मेरा l ग्रेटर देन 1 है तो कन्वर्जेंट सीरीज, अगर मेरा l लेस देन 1 है तो सीरीज कैसी है, डाइवर्जेंट। यही हमने रेशो टेस्ट में पढ़ा था, ठीक है। तो अब मेरा l कैसा आया, 0 आया। 0 क्या है, 1 से छोटा, तो इट मीन सीरीज क्या हो गई, डाइवर्जेंट। देन बाय रेशो टेस्ट l इज इक्वल्स टू 0, दैट इज लेस देन 1, देन अवर सीरीज an इज डाइवर्जेंट, ठीक है। तो सीरीज क्या हो गई, डाइवर्जेंट, ठीक है। ऐसे आपने सारे क्वेश्चंस करने हैं डी'एलम्बर्ट रेशो टेस्ट के, ठीक है। एक और एग्जांपल कर लेते हैं, एक बार फिर देख लो। कहते हैं कि टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज, सीरीज आपको गिवन होगी इस फॉर्म में, ठीक है। तो आपने nth फॉर्म में बनानी है, क्योंकि हमें an चाहिए ना, तो nth फॉर्म में बनानी है। अगर गिवन है, अगर समेशन an वाली फॉर्म गिवन है तो वेल एंड गुड है, नहीं गिवन तो सबसे पहला काम आपको देखना है कि पॉजिटिव टर्म सीरीज है और हमें nth फॉर्म बनानी है उसके, ठीक है। तो हमने एनालिसिस करना है, ऑब्जर्वेशन करनी है। ऊपर देखो क्या, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, nth टर्म में क्या होगा, n फैक्टोरियल, ठीक है। नीचे क्या है, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, फर्स्ट टर्म में 1, सेकेंड टर्म में पावर 2, थर्ड टर्म में पावर 3, तो nth टर्म में क्या हो जाएगी, पावर 5 की पावर n, ठीक है। तो मेरा an निकालना बहुत ईजी है, तो समेशन an मेरी सीरीज कैसी हो जाएगी, समेशन ऑफ n फैक्टोरियल बाय में 5 की पावर n, ठीक है। तो ये मेरी सीरीज की nth फॉर्म बन गई, ठीक है। अब इस सीरीज को आपने देखना है कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, तो हमने डी लंबर्ट रेशो टेस्ट का यूज़ करना है, जो क्या कहता है कि l फाइंड आउट करो। l फाइंड आउट करने के लिए मुझे क्या चाहिए, an बाय में n प्लस 1,
तो ए एन में एन को रिप्लेस कर देंगे एन प्लस वन से, तो मुझे क्या मिल जाएगा एन प्लस वन, ए एन प्लस वन। तो एन प्लस वन की वैल्यू क्या आई, एन प्लस वन फैक्टोरियल बाय में 5 की पावर एन प्लस वन। ठीक है, तो अब इन दोनों को क्या करना है, आपने डिवाइड करेंगे तो एन फैक्टोरियल बाय में 5 की पावर एन इंटू में 5 की पावर एन प्लस वन बाय में एन प्लस वन फैक्टोरियल हो जाएगा। ठीक है, फिर हमने सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद मेरे पास वैल्यू क्या बची, 5 बाय एन प्लस वन, जिस पे हमने लिमिट लगाई एन टेंस टू इन्फिनिटी, तो एल की वैल्यू क्या आई, 0। ठीक है, तो अब हमने रेशो डी लम्बर्ट रेशो टेस्ट से देखा, जो मेरा एल था वो क्या है, 1 से छोटा है, 0 मेरा 1 से छोटा है, तो मेरी सीरीज क्या हो गई, डाइवर्जेंट। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल में कहता है एग्जामिन द कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ सीरीज, सीरीज दे रखी है, कैसी सीरीज है, एग्जाम्पल सेकेंड सीरीज है 1 बाय 3 की पावर 2 प्लस 1 इंटू 2 बाय में 3 इंटू 5 के पावर 2, 1 इंटू 2 इंटू 3 बाय में 3 इंटू 5 इंटू 7 की पावर 2 एंड सो ऑन। ठीक है, इस सीरीज की आपको कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस देखनी है। ठीक है, पहला काम क्या करना है, आपने nth टर्म बनानी है, पॉजिटिव टर्म सीरीज है। ठीक है, nth टर्म आपकी क्या होगी, 1 इंटू 2, थर्ड टर्म में 1 इंटू 2 इंटू 3, nth टर्म में क्या होगा, सोन इंटू एन बाय में, नीचे क्या हो रहा है, 3 इंटू 5, 3 इंटू 5 इंटू 7, 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू सोन, कहाँ तक चलेगा, ये आपके पास और टर्म्स है ना। nth टर्म कैसे निकालते हैं, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी करके। ठीक है, अदरवाइज और टर्म्स आपको पता ही होते हैं, a क्या है आपका, 3। ठीक है, डिफरेंस कितने का है, 2 का। ठीक है, 2n माइनस 2, तो क्या बच जाएगा आपके पास, ये 2n प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ वैल्यू कहाँ तक चलेगा, 2n प्लस 1, और सारे का क्या है, स्क्वेयर। तो ये आपके पास क्या आ गई, nth टर्म आ गई सीरीज के। ठीक है, जो क्या है, ऊपर तो n तक चलेगी और नीचे कहाँ तक, 2n प्लस 1 तक। ठीक है, अब रेशो टेस्ट के अकॉर्डिंग मुझे क्या चाहिए, an बाय में an प्लस 1 चाहिए। ठीक है, तो n को रिप्लेस कर दो किस से, an प्लस 1 से, तो मेरे पास an प्लस 1 क्या आ जाएगा, 1, 2, 3 अप टू n को रिप्लेस करना है n प्लस 1 से, इससे पहले वाली टर्म क्या होएगी, n, इससे पहले n माइनस 1, क्योंकि क्या हो रहा है, एक एक इंक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है, डिवाइडेड बाय 3 इंटू 5 इंटू 7 अप टू सोन, कहाँ तक, n को क्या पुट करना है, n प्लस 1 प्लस का 1। ठीक है, तो ये सॉल्व करके 2n प्लस 2 प्लस 1, तो 2n प्लस 3 होएगा। ठीक है, लास्ट टर्म क्या बनेगी मेरे पास, 2n प्लस 3, 2n प्लस 3। ठीक है, तो इससे पहले देखो और टर्म्स है, 2 2 का गैप है, तो पहले वाली टर्म क्या रहेगी, 2n प्लस 1। ठीक है, सारे का स्क्वायर, हर टर्म का स्क्वायर था ना। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, लिमिट लगानी है किस पे, n टेंस टू इन्फिनिटी an ओवर an प्लस 1 पे। ठीक है, जब इन दोनों को डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 1 इंटू 2 इंटू 3 अप टू कहाँ तक, n बाय में 3 इंटू 5 इंटू 7 अप टू 2n प्लस 1 का स्क्वेयर, होल स्क्वेयर है, तो इसको अलग अलग कर दो, होल स्क्वेयर को अलग अलग कर दिया, डिनोमिनेटर का अलग स्क्वेयर, ठीक है, और न्यूमिनेटर का अलग स्क्वेयर, बाय में दिस, तो ये क्या हो जाएगा, 3 इंटू 5 इंटू 7 ऊपर जाके अप टू कहाँ तक, 2n प्लस 1 इंटू में 2n प्लस 3 स्क्वेयर। ठीक है, बाय में 1 इंटू 2 इंटू 3 अप टू n इंटू में n प्लस 1 का होल स्क्वेयर। ठीक है, अब इस सारे को सिंगल स्क्वेयर भी बना सकते हैं, ये टर्म भी स्क्वेयर में, ये भी, ये भी, ये भी, तो इस सारे को मैं लिख सकती हूँ होल स्क्वेयर।
ठीक है, तो ये क्या बन गया, दिस इज, ठीक है। तो अब कट जाएंगी टर्म्स, देखो ये सारी टर्म्स कट जाएंगी कहाँ तक, n तक, और ये सारी टर्म्स भी कट जाएंगी 2n प्लस 1 तक, ठीक है। तो क्या बचा मेरे पास, लिमिट ए एन अपॉन ए एन प्लस 1 n टेंस टू इन्फिनिटी, क्या बची लास्ट टर्म 2n प्लस 3 बाय में 2 नीचे था n प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है, इस सारे की लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पे, यही आया ना 2n प्लस 3 बाय में n प्लस 1 होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, n कॉमन लेंगे, n कॉमन लिया तो 2 प्लस 3 बाय n बाय में n कॉमन लिया 1 प्लस 1 बाय n का स्क्वायर, ठीक है। तो n से n मेरा कैंसिल, ठीक है। तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी क्या बचा, 2 प्लस 3 बाय n का स्क्वायर बाय में 1 प्लस 1 बाय n का स्क्वायर, ठीक है। n टेंस टू इन्फिनिटी लगाओगे, दिस टर्म इज़ 0, दिस टर्म इज़ 0, बचा क्या 2 का स्क्वायर बाय में 1 का स्क्वायर, ठीक है। होल वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 4, ठीक है, 2 का स्क्वायर बाय में 1 का स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 4, एल की वैल्यू कितनी आ गई, 4, ठीक है। तो बाय डी लंबर्ट रेशियो टेस्ट, बाय रेशियो टेस्ट एल इज इक्वल्स टू 4 दैट इज ग्रेटर देन 1, देन सीरीज इज कन्वर्जेंट, ठीक है। रेशियो टेस्ट क्या कहता था कि जब मेरा एल क्या है, ग्रेटर देन 1 है, तो मेरी सीरीज क्या है, कन्वर्जेंट, ठीक है। ये थे आपके डी लंबर्ट रेशियो टेस्ट के क्वेश्चंस, ठीक है। प्रूफ आई थिंक मैंने करवाया हुआ है वीडियो लेक्चर में, ठीक है। अदरवाइज राबिस टेस्ट के जैसा प्रूफ डाला हुआ है जो मैंने वीडियो में, वैसा ही है, कोई दिक्कत आए तो डिस्कस कर लेंगे। तो इसके सारे क्वेश्चंस ट्राई करना, जिन क्वेश्चंस में दिक्कत हो तो मुझे सेंड करना, ठीक है। सॉरी, इसका प्रूफ कॉशी रूट टेस्ट की तरह है, ठीक है। कॉशी रूट टेस्ट के भाई एग्जांपल देख लो, कॉशी रूट टेस्ट, वैसे मैंने ये सारा टॉपिक क्लास में करवाया हुआ है। अब जो बच्चे नहीं आए थे उनको दिक्कत है, ठीक है। कॉशी रूट टेस्ट स्टेटमेंट क्या कहती है, कहते हैं कि इफ़ वही सेम सीरीज, सीरीज कैसी है, पॉजिटिव टर्म सीरीज है, पॉजिटिव टर्म सीरीज है, सच दैट, यहाँ आपको क्या देखना है, ए एन की पावर 1 बाय एन देखना है, एन टेंस टू इन्फिनिटी पर, ठीक है। वो वैल्यू क्या होगी, एल, एनथ टर्म की पावर क्या करनी है, 1 बाय एन, ठीक है। अब इस एल पे डिपेंड करेगा, एल पे डिपेंड करेगी कन्वर्जेंस डिवर्जेंस। अगर मेरा एल लेस देन 1 है तो सीरीज क्या है, कन्वर्जेंट, अपोजिट है रेशो टेस्ट के। अगर मेरी सीरीज ग्रेटर देन 1 है तो सीरीज क्या है, अगर मेरा एल ग्रेटर देन 1 है तो सीरीज क्या है, डाइवर्जेंट, ठीक है। तीसरा केस, अगर मेरा एल इन्फिनिटी है तो सीरीज क्या है, डाइवर्जेंट, ठीक है। रेशियो टेस्ट में यहाँ कन्वर्जेंस के लिए एल ग्रेटर देन 1 था, ठीक है, रेशियो टेस्ट में एल मेरा ग्रेटर देन 1 था, यहाँ पे क्या है, अपोजिट है, लेस देन 1 है, ठीक है। और यहाँ पे ए एन की पावर 1 बाय एन है, ठीक है, उसकी लिमिट आपको देखनी है। और इन्फिनिटी पे वहाँ पे आपके पास कन्वर्जेंस थी, यहाँ पे डाइवर्जेंस है, ठीक है। तो क्वेश्चंस के लिए आपको ए एन की पावर 1 बाय एन पे लिमिट लगानी है, ठीक है। फर्स्ट एग्जांपल देखो इसका, फर्स्ट एग्जांपल में कहते हैं टेस्ट 4 कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज कैसी है, समेशन ऑफ 1 बाय log of n, ठीक है, होल पावर n, n फ्रॉम
टू टू इन्फिनिटी, ठीक है। अब ये जो कॉशी रूट टेस्ट है, रूट नाम से क्लियर हो रहा है, जहाँ पे nth रूट होगा ना वहाँ पे अप्लाई होगा, क्योंकि सीरीज जो nth टर्म होगी उसमें यहाँ कुछ टर्म्स आएंगी, फिर पावर n दे रखे होंगे, ठीक है। स्टेटमेंट में कुछ ऐसा गिवन होगा, इसको देख के आप आइडिया लगाओगे कि रूट टेस्ट यूज़ हो सकता है अगर ये पॉजिटिव टर्म सीरीज है, ठीक है। क्यों, ये n गिवन होगा तो आपने क्या करना है, 1/n करना है, ठीक है। जो भी टर्म्स यहाँ होंगे उसकी पावर n की पावर 1/n, n से n कैंसिल आउट हो जाएगा, जो बचेगा उस पर आपने लिमिट लगानी है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस में ये आपका रूट टेस्ट यूज़ होगा मोस्टली, ठीक है। अब देखो इस एग्जांपल में भी क्या है, log n की पावर log n, log ऑफ log n की होल पावर n, ठीक है। तो पहला काम, nth टर्म क्या है मेरे पास, log ऑफ n की होल पावर n, ठीक है। खोल के देख लेना, 2 से शुरू होगा, फर्स्ट टर्म आएगी आपके पास 1/ किसके इक्वल आएगी, log 2 की होल पावर n को क्या पुट किया, 2। सेकेंड टर्म आएगी log ऑफ 3 की होल पावर 3, ऐसे ही सो ऑन, पॉजिटिव टर्म सीरीज है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, ए एन मुझे मिल गया, ए एन की पावर क्या करनी है, 1/n बाय कॉशी रूट टेस्ट, ठीक है। तो लगाओ 1/ log ऑफ n की पावर होल पावर n, ठीक है। सारे का क्या करना है, 1/n, ठीक है। तो क्या आएगा, 1/ log n की होल पावर n बाय n, ठीक है। ये ब्रैकेट कैंसिल आउट हो जाएगी, n इंटू में 1/n, n से n का कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या, a n की पावर 1/n क्या आया, 1/ log n यही आया, ठीक है। अब इसकी क्या लगानी है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, तो इसकी भी लिमिट लग जाएगी n टेंस टू इन्फिनिटी पे, ठीक है। लिमिट लगाओगे तो क्या आएगा आपके पास, 1/ log इन्फिनिटी, तो ये आपके पास वैल्यू आएगी 0, l क्या आ गया आपके पास 0, ठीक है। तो यहाँ से चेक कर लो तीनों केसेस से, l क्या आया है 0, 0 क्या है लेस देन 1, तो मेरी सीरीज क्या हो गई, कन्वर्जेंट, ठीक है। L की वैल्यू क्या आ गई, 0, दैट इज लेस देन 1, देन आवर सीरीज इज कन्वर्जेंट। तो जो गिवन सीरीज थी बाय कॉशी रूट टेस्ट, लिखना है ही आपको, ठीक है, कॉशी रूट टेस्ट एज L इक्वल्स टू 0, दैट इज लेस देन 1, देन सीरीज 1/ log n इज कन्वर्जेंट, ठीक है। तो ये आपके कॉशी रूट टेस्ट के एग्जाम्पल्स थे, ऐसे आपको अप्लाई करना है। सेकेंड एग्जाम्पल भी सेम है, सेकेंड एग्जाम्पल भी कर लेते हैं, स्टेटमेंट रब कर दी, अच्छा सब कोई बात नहीं। सेकेंड एग्जाम्पल कहते हैं कि डिस्कस द कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज, सीरीज कैसी है, एस्टिमेशन ऑफ 1/1/n की पावर n, ठीक है, इनटू में x की पावर n, x इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, ठीक है। nth टर्म क्या है, पहला काम nth टर्म फाइंड आउट करनी है, 1/1/n की पावर n इनटू में x की पावर n, ठीक है, और x कैसा है, ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब a n की पावर 1/n, तो 1/1/n की पावर n इंटू में x की पावर n की होल पावर 1/n, तो ये क्या आ जाएगा, 1/1/n की पावर n इंटू 1/n, x की पावर n इंटू 1/n, तो कैंसिल आउट होके a n की पावर 1/n क्या आया, 1/1/n इंटू में x,
ठीक है। अब इस सारे की आपको क्या लगानी है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लगाओगे तो वैल्यू क्या आएगी l की, 1 प्लस 1 बाई इन्फिनिटी ज़ीरो, 1 प्लस 0 इंटू में x। अब सारा l क्या आ गया, x, ठीक है। अब सारा काम किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे, ठीक है। अब देखो l, l की वैल्यू क्या आई है, x। अगर मेरा x लेस देन 1 है, ठीक है, अगर मेरा l की वैल्यू क्या आई है, x लेस देन 1 है, तो सीरीज मेरी क्या हो जाएगी, 1 प्लस 1 बाई एन की पावर एन इंटू एक्स की पावर एन क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट, ठीक है। अगर मेरा एल, एल क्या आया है, एक्स ग्रेटर देन 1 है, तो मेरी सीरीज क्या हो जाएगी, डाइवर्जेंट, ठीक है। अब एक्स का 1 होगा तो क्या होगा, ठीक है, हमने एक्स ग्रेटर देन, ये 0 है, ये 1 है, ठीक है। एक्स हमने ग्रेटर देन 1 के लिए भी देख लिया, लेस देन 1 के लिए भी देख लिया, ठीक है। जब x 1 होगा तो मेरे पास nth टर्म क्या बनेगी, 1 प्लस 1 बाई n की पावर n इंटू में x क्या है, 1 है, ठीक है। अब लिमिट लगाओगे n टेंस टू इन्फिनिटी, 1 प्लस 1 बाई n की पावर n, इसकी वैल्यू क्या होती है, e, ठीक है। ये हमने प्रीवियस चैप्टर में भी डिस्कस किया था, सॉल्व किया था, इसकी वैल्यू होती है e, ठीक है। अब e क्या है, 2 पॉइंट समथिंग होती है, 718, तो ये आपकी क्या है, नॉन ज़ीरो है। हमने थ्योरम की थी 3.8, जिसमें कहता था कि अगर nth टर्म की लिमिट नॉन ज़ीरो आ जाती है तो मेरे पास पक्का गारंटी होती है कि मेरी सीरीज़ क्या है, नॉट कन्वर्जेंट। तो x इक्वल्स टू 1 के लिए मेरी सीरीज़ क्या हो गई, नॉट कन्वर्जेंट, ठीक है। तो आपने ऐसे चेक करना, ठीक है। तो ये आपके आज डी लंबर्ट रेशो टेस्ट के क्वेश्चंस देखे हैं कैसे करने हैं, और कॉशी रू टेस्ट के, ठीक है। इनके प्रूफ सेम सेम ही हैं, सेम स्टेप प्रूफ्स में चल रहे हैं। एक प्रूफ समझ आ गया तो सेकंड भी आ जाएगा, ठीक है। अब किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी प्रूफ में डाउट हो तो डिस्कस करना, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।